सिंगरौली जिले के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों समेत अधिकारियों को भी कोविड शील्ड का टीका लगाने का काम शुरू किया गया है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम समेत कई अधिकारियों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया है। सोमवार से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। इसके तहत कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय, अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, एसडीएम ऋषि पवार, लोक सेवा प्रबंधक रामेश पटेल, मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी व उनके थाने के समस्त स्टाफ सहित अन्य फ्रंटलाइन वर्करों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। इस दौरान जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कोविशील्ड का टीका लगा वे सभी पूर्व की तरह स्वस्थ हैं। वैक्सीन का कहीं भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।